हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन में मैं हूं सिद्धि और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं फर्स्ट से फिफ्टीन नवंबर 2022 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट्स के बारे में ये वो लीगल अपडेट्स हैं जो हर लॉर्डोम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक छोटा सा टेस्ट जिसमें मैंने आपसे फाइव लीगल अपडेट के एमसीक्यूज पूछे हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं अब देखते हैं कौन एक्टिव है लीगल अपडेट्स के साथ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत अहम जानकारी क्या आप भी हैं एक जुडिशल एस्पायरेंट और करना चाहते हैं घर बैठे बैठे जुडिशरी की तैयारी तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेम्बरशिप प्लान हमारे मेंबरशिप प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके मिल सकती है आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट से सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट इज अगर आपको एक सेक्सुअल असोल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है और तब भी आप उस सेक्सुअल असल्ट के बारे में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप एक बहुत सीरियस क्राइम कमिट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस अजय रस्तोगी एंड सीटी रवि कुमार ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर मारुति केस में ये बात बोली कि सेक्सुअल असोल्ट जब एक माइनर चाइल्ड के साथ हो रहा है और उसकी नॉलेज है और तब भी आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एक सीरियस क्राइम कमिट कर रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर चार्ज लग सकता है सेक्सुअल असल्ट करने वाले लोगों को शील्ड करने का इसी के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि माइनर चाइल्ड के साथ होने वाले सेक्जुअल असोल्ट केसेस पॉक्सो में डील किए जाते हैं आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो द नेक्स्ट अपडेट इज इनकम टैक्स रिटर्न में नॉट बी एक्यूरेट गाइड टू डिटरमाइन रियल इनकम ऑफ पार्टीज एंगेज इन मेट्रीमोनियल कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट जज बेंच में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड हीमा कोली ने किरण तोमर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में ये बात बोली कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एक्यूरेट गाइड नहीं है ये चेक करने के लिए कि जो मैट्रीमोनियल कॉन्फ्लिक्ट में पार्टीज़ हैं उनकी एक्चुअल इनकम क्या है फैमिली कोर्ट्स को उनकी रियल इनकम जानने के लिए कहीं ना कहीं अलग तरीके से एविडेंसेस के साथ उनकी इनकम को असेस करना होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो द नेक्स्ट अपडेट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स टेन परसेंट रिजर्वेशन फॉर ई जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इसी के साथ साथ 32 कनेक्टेड मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के फाइव जज बेंच का एक वर्डिक्ट आया जिसमें शामिल थे जस्टिस यू यू लालित दिनेश महेश्वरी एस रविंद्र भट्ट बेला एम त्रिवेदी एंड जे बी पारदीवाला इन्होंने जजमेंट में वन हंड्रेड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को अपहेल्ड करते हुए टेन परसेंट रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस करी ई डब्ल्यू एस कोटे के लिए इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फील्ड ई डब्ल्यू एस कोटे को अपहेल्ड करने के लिए थ्री रेशो टू की जजमेंट थी जिसमें जस्टिस दिनेश महेश्वरी बेला त्रिवेदी एंड जे बी पारदीवाला मेजोरिटी में थे जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर वायलेटिव नहीं है इट इज नॉट वायलेटिव ऑफ़ बेसिक स्ट्रक्चर कोर्ट ने यह भी बोला कि एससी एस टी ओबीसी एक्सक्लूजन ईडब्ल्यूएस कोटा से बिल्कुल लॉजिकल है और जरूरी भी है क्योंकि डबल बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो सेंटर कॉन्स्टिट्यूट्स लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर फोर ईयर्स एंड अपॉइंट्स जस्टिस आर आर अवस्थी एस चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्वेंटी सेकेंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म करी है जिसमें फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को चेयरपर्सन चूज किया है सेंटर ने फॉर्मर केरला कोर्ट जज जस्टिस के टी संकर प्रोफेसर आनंद पालीवाल प्रोफेसर डी पी वर्मा प्रोफेसर राका आर्या श्री एम करूनिथी को भी इस कमीशन के मेंबर्स के तौर पर चुना है जो इंडिया की लॉ कमीशन है इट हैड बीन रिमेनिंग वेकेंट सिंस ऑगस्ट 31 2018 जब रिटायरमेंट हुआ था ट्वेंटी फर्स्ट लॉ कमीशन के कमिश्नर जस्टिस बी एस चौहान का उसके बाद से लॉ कमीशन वेकेंट थी जो अब जाकर के फिल हुई है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ सो द नेक्स्ट अपडेट इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ टेक्स ओथ एस फिफ्टी सी जे आई सो जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने फिफ्टी एथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर ओथ ली है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने इनकी ओथ को एडमिनिस्टर किया है इन राष्ट्रपति भवन तो अब सी के तौर तो पर जस्टिस चंद्रचूट का जो टेन्योर है वो टू ईयर्स का होगा टिल नवम्बर टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बिट इज़ विच इज गोइंग टू तो प्रिपेयर अ हिस्ट्री क्योंकि इनका सबसे लॉन्गेस्ट टर्म होने वाला है रीसेंट पास्ट में सी जी आई होने का अब इन्हीं इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ आपके लिए थोड़े से लीगल अपडेट के क्वेश्चंस जिससे हम ये टेस्ट कर पाएंगे कि कौन कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लीगल अपडेट के साथ एक्टिव हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन एजुकेशनल एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ए वन ऑप्शन बी वन ऑप्शन सी वन या फिर ऑप्शन डी वन जीरो फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली अपहेल्ड वैलिडिटी ऑफ वन हंड्रेड थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इंट्रोड्यूस्ड टेन परसेंट रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एडुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इसमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली वन जीरो थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहल्ड करके टेन परसेंट रिजर्वेशन ई डब्ल्यू एस कोटा के लिए एडुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इंट्रोड्यूस करी है ऑप्शन ए जर्नैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता ऑप्शन बी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट क्वेश्चन फॉर यू पीपल इनमें से कौन से फॉर्मर जजेस को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था एज़ हेड ऑफ़ द कमेटी टू इंक्वायर सिक्योरिटी लैब्स जो सिक्योरिटी लैब्स तब हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हुई थी पंजाब में जनवरी 5 2022 में ऑप्शन ए जस्टिस आर वी रविंद्रन ऑप्शन बी जस्टिस इंदु मल्होत्रा ऑप्शन सी जस्टिस विनीत सरान या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाफ नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्लर विटनेसेस की डेफिनेशन दी है ए स्मृति तुकाराम बदाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस अंशिका गोयल सी मुस्त रेहाना बेगम वर्सेस स्टेट ऑफ असम या फिर डी नन ऑफ द अब एंड द लास्ट लीगल अपडेट क्वेश्चन फॉर यू ऑल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज टू जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट पास द स्प्लिट वर्डिक्ट इन कर्नाटका हिजाब बैन मैटर तो हिजाब बैन मैटर से रिलेटेड कौन सा केस है ऑप्शन ए एशद शिफा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका ऑप्शन बी बनाजिर हीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ऑप्शन सी निशा वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाफ सो आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू आंसर विद द करेक्ट आंसर्स ऑफ दीज फाइव इम्पॉर्टेंट लीगल अपडेट एम सी क्यूज एंड आई होप कि अभी तक जो हमने लीगल अपडेट्स के बारे में बात करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर उससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आइए और आगे आने वाली लीगल अपडेट्स और इम्पॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट की वीडियोज़ के लिए बने रही है हमारे चैनल पर सो स्टे ट्यून टू अस थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स